मुंबई में सनराज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही हिंदी फिल्म प्रोडक्शन नंबर वन का मुहूर्त बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। तो वहीं इस खास मौके पर इस फिल्म के एक गाने की रिकॉर्डिंग भी सिंगर मोहम्मद इरफान के मधुर आवाज में की गई। वैसे इस फिल्म की बात करें तो यह फिल्म सामाजिक मुद्दे को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। मिस्टर शांतनु कुमार इस फिल्म के निर्माता हैं और मिस्टर हसन गड्डी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर फिल्म की टीम ने फिल्म को लेकर क्या कुछ कहा। बहुत ही खूबसूरत गाना है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, वेरी वेल कम्पोज बाय प्रदीप जी और बहुत खूबसूरती से लिखा है सर ने। आई एम वेरी हैप्पी टू सिंग दिस सॉन्ग और उम्मीद करता हूँ कि जब लोग सुनेंगे तो बहुत लुत्फ उठाएंगे इस गाने का। इट्स अ सैड सॉन्ग, थोड़ा सा मतलब जुदाई के बारे में है, जब लड़की चली जाती है लड़के की लाइफ से, आई थिंक वो सिचुएशन है। तो और मुझे अक्सर इन्हीं सिचुएशंस के लिए बुलाया जाता है गाने के लिए, बट जब तक लोग पसंद कर रहे हैं तो आई एम वेरी हैप्पी टू सिंग सच काइंड ऑफ सॉन्ग्स। आपने कैरियर में बहुत सारे मशहूर गाने आपने गाए हैं, जो दर्द आपकी आवाज़ में, वो दर्द आता कहाँ से है? जी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट हाँ ये खुदा की देन है, सो आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड कि कुछ अच्छे गाने मुझे गाने को मिलते हैं जिसके बोल अच्छे हों, जिसकी धुन अच्छी हो। तो आई एम वेरी हैप्पी कि दर्द भरे गाने और रोमांटिक सॉन्ग्स गाने को मुझे मिलते हैं। मैं चाहूँगा कि और ऐसे ही गाने मुझे मिले। और कोई प्रोजेक्ट के लिए जब आपको अप्रोच किया जाता है तो क्या आपका क्या क्राइटेरिया होता है कि किस तरह का गाना होना चाहिए, आप किस तरह के प्रोजेक्ट को प्रेफर करते हैं? आई वुड ऑलवेज प्रेफर के जो गाने के बोल हों वो अच्छे हों, उसमें कुछ मतलब गंदे अल्फाज ना हो। सो थैंकफुली मुझे अच्छे गाने ही मिलते हैं गाने के लिए, जिसमें बहुत अच्छे वर्ड्स होते हैं, बहुत अच्छी धुन होती है। सो दैट इज़ द फर्स्ट क्राइटेरिया विच आई लुक फॉर, और उसके बाद ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि लोग सुने तो उनको पसंद आए। इतनी जो कामयाबी मिली है आपको, तो किसको शेयर करना चाहेंगे इस कामयाबी के लिए, इंडस्ट्री से या कोई लोगों से? पहले तो मैं समझता हूँ कि बहुत जितनी भी कामयाबी मिली है अब तक वो एक शुरुआत है। मुझे लगता है कि अभी और बहुत सारा काम करना बाकी है, और जो भी अचीव किया है आज तक उसके लिए सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। इट्स ऑल थैंक्स टू गॉड कि मुझे इतना कुछ दिया है, क्योंकि बहुत सारे टैलेंटेड सिंगर्स हैं, उनमें से अगर मुझे कुछ अच्छे गाने मिले हैं तो इट्स ऑल थैंक्स टू गॉड। एंड ऑफ कोर्स पेरेंट्स है मेरे, म्यूज़िक टीचर्स हैं, गुरु हैं, म्यूज़िक कंपोजर्स जिनके साथ मैंने काम किया है, लिरिसिस्ट्स और प्रोडक्शन हाउसेस, सब सबका हाथ है। इट्स ऑल अ टीम वर्क, बट ये सब खुदा की देन है। इस बारे में तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि अभी मैंने इतना अच्छा गाना गाया है यहाँ पे, तो मैं उसी मूड में हूँ गाने के, और बहुत अच्छा गाना बनाया हम लोगों ने। तो मैं चाहूँगा कि जब भी ये गाना बाहर आए आपको डिटेल्स बताएंगे कि गाना कब आने वाला है, तो जब लोग सुनेंगे तो उनको पसंद आए। बाकी अच्छे काम की वैल्यू होती ही है, वो कितना भी वो छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, अच्छा काम हो तो वो लोगों तक पहुँचता ही है और लोग पसंद करते हैं। और कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आप इसके अलावा? कुछ गाने रिकॉर्ड हुए हैं रिसेंटली, कुछ अच्छे अच्छे फिल्मों में आने वाले हैं। जैसे इस साल मेरा मैंने गाया था, शाहरुख खान की फिल्म आई थी हैरी मेट सेजल, उसमें प्रीतम दा के लिए गाया था, तो वो गाने के लिए भी, जब गाना बहुत पॉपुलर नहीं हुआ है बट लोगों ने बहुत पसंद किया है, जो मेरे चाहने वाले उन लोगों ने बहुत पसंद किया है, तो मैं चाहूँगा कि उसी तरह का प्यार मिले मेरे आने वाले गानों को भी। थैंक यू। वेल आई एम शांतनु कुमार फ्रॉम भागलपुर बिहार, और एज अ प्रोड्यूसर इट्स माय फर्स्ट मूवी, एंड हम लोग आज मुहूर्त कर रहे हैं, हम लोगों की आज म्यूज़िक रिकॉर्डिंग है पहली, एक तरह से ये लव स्टोरी है हम लोग जो मूवी बनाने जा रहे हैं। इसका टाइटल अभी डिसाइड नहीं किया गया है, सो एक्चुअली आज हम लोगों की जो रिकॉर्डिंग है वो मोहम्मद इरफान जी आ रहे हैं, वो गाना गाएंगे, और कास्टिंग की जहाँ तक बात है तो अभी बातें चल रही हैं, फाइनल अभी डिसाइड नहीं किया गया है। ये एक सैड सॉन्ग है एक्चुअली, लड़का जिस लड़की से प्यार कर रहा है मूवी में, तो उसके लिए जब वो भाग रहा है तो उस टाइम में ख्यालात में ये गाना है, और इस टाइप। तो
पहला अनुभव है आपका प्रोड्यूसर के तौर पे फिल्म लाइन में? या श्योर। इससे पहले क्या करते थे आप? एक्चुअली आई एम ग्रेजुएट, पिछले साल तो मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई है और बचपन से सपना था थोड़ा फिल्मी दुनिया में करियर बनाने का और फॉर्चुनेटली लोग मिलते गए। गौतम कुमार रॉय मेरा नाम है, हम इसके साथ इसके फ्रेंड हैं, मैं इनके साथ सपोर्ट करना चाहता हूँ इस फिल्म में और कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि इस चीज़ को आगे लेके चले लाइफ में। तो जो फिल्म प्रोडक्शन का काम होता है बहुत चैलेंज होता है, बहुत चुनौती होती है, क्या कहना चाहेंगे इस तरह से अपने करियर को आगे बढ़ाएगा कैसे? वो तो डिपेंड करेगा, जैसे जैसे काम करूँगा उससे डिपेंड करेगा कि मुझे कैसे क्या करना है। फिलहाल तो अभी शुरुआत है, ये इसको कोशिश करेंगे आगे ले जाने की। और क्या फोकस आप लोगों से जानना चाहूँगा, किस तरह के फिल्मों पे फोकस रहेगा आजकल? सोशल अवेयरनेस वाली फिल्म, समाज से जुड़ा हुआ फिल्म बहुत बनता है, तो क्या करेंगे क्या? या बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों के पास अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है और एक्सपीरियंस थोड़ा आ जाने के बाद अवेयरनेस टाइप की मूवी बनाने में थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा, इसलिए अभी तो लव स्टोरी लेकर चल रहे हैं। वैसे आई एम इंटरेस्टेड दिस टाइप ऑफ मूवी। बिहार से आपका संबंध है तो बिहार की किस भूमि पे कोई फिल्म बनाई है? बिहार से बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। हाँ, मेरे दिमाग में तो है, चल रहा है। हाँ, इट्स डैम श्योर। फिल्म के डायरेक्टर क्या बताइए, फिल्म के मतलब निर्देशक कौन करेंगे? हाँ, हमारे निदेशक हसन गाडी जी हैं। तो क्या मैं क्या कहता हूँ म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में और भी कास्ट और क्रू के बारे में, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है और कौन? हाँ, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक को कंपोज किया है मिस्टर प्रदीप कुमार दास जी ने और लिरिक्स शानी असलम जी ने लिखा है। मोहम्मद इरफान जी आज गाने आ रहे हैं। तो कब प्लानिंग है, कब से शूटिंग वगैरह शुरू करने वाले हैं? जनवरी। अच्छा, और कहाँ शूट हो रहे हैं फिर? ये हम लोग रांची में कर रहे हैं, झारखंड रांची में। और पर्दे पे कब तक आने के लिए होगा? अब देखिए, जुलाई अगस्त। ये तो सामाजिक फिल्म है, एक लव स्टोरी फिल्म है जो आज से जो लड़कियों को बचाने की बातें होती है और इसमें बहुत सारी रोमांटिक भी कहानी है। इसमें बहुत इंटरेस्ट आएगी ये कहानी भी स्क्रिप्ट में। हमने ये स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा ये फिल्म बनानी चाहिए और हमने इसमें बहुत मेहनत की हुई और इंशाल्लाह हम कामयाब भी होंगे। एक समाज को भी दिखाएंगे कि ये फिल्म जो जा रही है एक रूट जा रही है समाज की तरफ। जी जरूरी है, हम तो चाहेंगे हमारी जहाँ तक कोशिश हो 110% होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग तो समझेंगे 75 तो लोग समझेंगे, लेकिन हमारी जहाँ तक कोशिश होगी एक मैसेज सरकार को भी मैसेज होगी या और समाज के लोगों को भी मैसेज होगी, ये अच्छी मैसेज होगी। तो कलाकारों को चयन किया आपने? चयन हमारे दिमाग में घुसा हुआ है कि मैं किन लोगों को लूँ और अभी तक बातचीत हमारी चल रही है। तो किसी नए कलाकार के बारे में बताएं? कोई नया कलाकार? देखिए, जो भी मैं अभी कला को लूँगा, जैसे राजपाल यादव जी और राजेश श्रीवास्तव जी और इनसे बातें हो रही है, अगर हो जाती है तो फिर मैं आप लोगों को आगाह जरूर करूँगा। देखिए, गाने का जहाँ तक सवाल है, गाना ऐसे सिचुएशन के साथ बहुत अच्छा गाना बना है और हमारे राइटर साहब ने बहुत बेहतरीन गाने लिखे हैं और मैं उनके लिरिक्स के ऊपर मैंने कोशिश किया कि लिरिक्स का अच्छी तरह से इंसाफ हो, तो उसी हिसाब से मैंने उनको बनाया। अभी आप थोड़ी देर में सुन लेंगे उसको कैसा बना। और इस गाने के लिए मोहम्मद इरफान का चयन किया है, कुछ खास वजह होगी? मुझे मोहम्मद इरफान की आवाज़ अच्छा लगा और इस गाने के लिए मुझे लगता है कि मोहम्मद इरफान बिल्कुल फिट है, तो उसी हिसाब से मैंने सोचा कि इरफान को ही बुलाना चाहिए। और दूसरी बात, इस टाइम मार्केट के जो दौर चल रहा है उसी हिसाब से भी सही है, तो ये सब सोच के फिर हमारे डायरेक्टर साहब ने भी, उनको भी अच्छा लगा उनकी वॉइस, उसी हिसाब से मैंने उनको चाहा। तो कितने गाने होंगे इस फिल्म में? इस फिल्म में 4 या 5 के गाने हो सकते हैं जहाँ तक रिक्वायरमेंट है गाने, जो डायरेक्टर साहब बता सकते हैं। ये 25 जनवरी से हम लोग फ्लोर पे जा रहे हैं और झारखंड में शूट करेंगे, रांची और टाटानगर में, ये 2 जगह हम शूट करेंगे झारखंड में। ये लोकेशन क्यों चुना है, मतलब बिहार की बात है तो झारखंड को आपने चुना है? झारखंड में क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटी भी है और सरकार भी सब्सिडी दे रही है और वहाँ के लोकेशन वेरी गुड। जिस तरह से इरफान जी गाना का मैंने लिरिक्स लिखा हुआ है सनी असलम जी ने, वो आवाज़ सुनने के बाद मुझे दिल छू गया, मुझे लगा ऐसा कि इरफान जी इसमें बैठेंगे और मैंने उनकी चॉइस की।
अभी गाना बन रहे हैं, वो गाने जब बन जाएंगे फिर उसी हिसाब से हम सोचेंगे कि किनको कौन बेटर गा सकते हैं, फिर उसी हिसाब से हम चयन करेंगे सिंगर होगा। और इस फिल्म को कहाँ देखिए, हम तो हमारी जहाँ तक कोशिश है प्रमोट करने की, हम पहले पिक्चर कंप्लीट कर लेते हैं, उनके बाद हमारी बहुत कोशिश रहेगी प्रमोट करने की। कोशिश एक है संघर्ष, लेकिन संघर्ष इंशाल्लाह कामयाबी होगी। अभी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हमारे पास है कांटेक्ट, उनसे बात करने वाले हैं। नहीं, इनका किरदार कुछ और है। देखिए ये फिल्म है, फिल्म में तो आते लोग आ जाते रहते, चेंजिंग होते रहते, लेकिन बातचीत हो रही अगर जम जाती है तो हम 100% करेंगे। ये एक लव स्टोरी फिल्म है और गर्ल्स को बचाना ये भी दिखाना मुझे। तो आप ऐसे ऐसे इंसान के बारे में क्या समझते हैं कि ये जो समस्या है इसे क्या समाधान चाहिए? देखिए हम जब तक हम कलाकार होते हैं, हम कलाकार को जब तक पर्दे में सही से नहीं उतारेंगे वो पब्लिक को मैसेज कैसे जाएगी? जब मैसेज जाएगी तो इंसानों जैसे कोई बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं और फिल्म देखकर उनको समझ में आता है हाँ भाई ये सही होना चाहिए, कुछ लोगों का ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी होता है। और आगे चल के जो भी फिल्म बनाएंगे तो किस तरह का सामाजिक मुद्दा होगा, क्योंकि सामाजिक मुद्दे पर फिल्म काफ़ी बन रही है और काफ़ी हिट भी हो रही है। जी जी, क्या कुछ ऐसा मुद्दा है जिस पर आप फिल्म बनाना चाहेंगे? देखिए जी बिल्कुल, मैं बनाऊँगा इस फिल्म कम्प्लीट होने के बाद, नेक्स्ट फिल्म है मेरी तो मैं उनमें तैयारी कर रहा हूँ और वो भी हो सके मार्च में जाएगी वो फिल्म। क्योंकि मैंने देखा गांव समाज में बहुत ऐसा कुछ हो रहा है, बेटियों को उतना सम्मान नहीं मिला जितना कि मिलना चाहिए। अभी भी बेटियों को हम छोटे नज़र से देखते हैं, उनको उतना एजुकेशन नहीं दे पा रहे, तो इसलिए मैंने ये फिल्म स्पेशली बेस्ड ऑन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। स्टार्टिंग में जब मैंने था बहुत बड़ा मेरे लिए रहा था प्रॉब्लम, बट गूगल और नेट से मैंने सारा कुछ सीखा और मैं लिख दिया। सर आपसे जानते हैं अपने सामाजिक मुद्दे पर ये फिल्म है तो थोड़ा सा भावनात्मक गीत संगीत होगा, तो आप बताइए कि कैसा गाना है इसमें? सर अभी तो जो गाना रिकॉर्ड होने वाला है इसको सिंगर इरफान खान गा रहे हैं, जो मकबूल ये है सिंगर हैं, और ये सैड सॉन्ग है। इसका मुखड़ा अगर बोले तो मैं सुनाता हूँ आपको कि दिल कैसे चुप चुप रोता है तुम जुदा हुए तो पता चला, दिल कैसे चुप चुप रोता है तुम जुदा हुए तो पता चला, ये दर्द जिगर क्या होता है तुम जुदा हुए तो पता चला। ये मुखड़ा है गाने का और बबलू खान साहब ने मुझे इस गाने के लिए पहले उन्होंने पहले सिचुएशन बताया तो फिर मुझे लिखना पड़ा और इसके करीब करीब तमाम गाने मैं लिख रहा हूँ। हाँ उसमें दो गाने रोमांटिक हैं, डुएट सॉन्ग है, और एक है कॉलेज का है छेड़छाड़ वाला गाना है। इस तरह से चार पांच गाने हैं इसमें। हाँ यही बात आपने बहुत अच्छी बात कही है कि आजकल यही नहीं होता है कि सिचुएशन के हिसाब से गाने नहीं पिरोए जाते हैं, गाने लिख दिए जाते हैं उसके बाद सिचुएशन बना देते हैं डायरेक्टर लोग, लेकिन इन्होंने पहले मुझे सिचुएशन बताया, मैंने उस पर गाने लिखे हैं। क्योंकि मैं पर्टिकुलर बुनियादी तौर पर शायर हूँ मैं, और मैं मुशायरे पढ़ता हूँ, मेरी गज़लें पाकिस्तान के ग़ुलाम अली ने भी गाई है और रूप कुमार राठौर का भी एक चल रहा है अभी एल्बम, और उसमें उसको जीमा अवार्ड भी मिला है। और जो गाने के में कभी कभी जो शब्द होते हैं उनका कोई मतलब नहीं, जैसे हमारी हुक्का बार गाना है तो इस तरह के वर्ड यूज किया, उसके हम क्या कहेंगे कि जो गीतकार हैं इस तरह शब्द यूज करते हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता। एक्चुअली सर आजकल क्या है ऐसा है कि हुक्का बार भी चलते हैं, हमने देखा हो कई हुक्का बार देखे हो, तो जो बिल्कुल मतलब थोड़ा हटके हो, हुक्का बार अभी तक आया नहीं था इन्होंने हुक्का बार दे दिया, अब कोई और बार खुला तो मैं उसमें डाल दूंगा वो बार, तो चाहते हैं कि लोग उससे मतलब लुत्फ उठाएं उस वर्ड से, तो इस तरह के वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन भावना नहीं जुड़ती, जैसे आप 80 या 90 के दशक के गाने सुनते हैं तो आपकी भावना जुड़ती है। जी जी जी, ये कमी है आज के गानों में, ये कमी है। और आगे सर मैंने तो अभी
मेरे बहुत गाने रिकॉर्ड हुए हैं। अभी लास्ट में मीका ने गाया था गाना लव डे में, खाक हो जाओ बत्ती बुझाओ, मेरा ही गाना था। इसके अलावा भी मैंने कई फिल्में लिखी हैं अभी, जो अभी आए तो पता चलेगा, और पहले भी बहुत सारे गाने लिखे हैं। मेरे एम है कि मैं हमेशा सामाजिक मुद्दे पे फिल्म लिखूं। तो क्या मुद्दा रहेगा, आपको क्या मुद्दा ज़्यादा प्रभावित करता है? नेक्स्ट स्टेप मेरा ये रहेगा, जो भी चीज़ मैं समाज में कमी देखूं उस मुद्दे की कमी, अभी तो फिलहाल ये चीज़ देखा, फिर नेक्स्ट में एजुकेशन हो सकता है। जो फिल्म है उसका जो विषय है वो है गर्ल चाइल्ड सेफ्टी, जो सोशल विषय है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं इस पूरे टीम को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और बबलू भाई को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि एक अच्छी टीम के साथ वो काम करने जा रहे हैं। एंड नो डाउट इरफान भाई ने गाना गाया है, और आप सभी लोग जानते हैं कि उनके गाने बहुत फेमस होते हैं। जब भी वो किसी गाने को गाते हैं तो बहुत डिटेल में काम करते हैं, एंड जब भी उनका सैड सॉन्ग आता है एंड रोमांटिक सॉन्ग आते हैं तो लोग बहुत इन्जॉय करते हैं इस चीज़ को। एंड इस चीज़ को नज़र में रखते हुए बबलू भाई ने उनका सिलेक्शन किया, एंड मशवरा हम लोगों ने भी आपस में किया था, तो बबलू भाई ने उनका सिलेक्शन किया एंड एक बेहतरीन गाने के साथ रिकॉर्डिंग आज हम लोग कर रहे हैं, और ऊपर वाले ने जब ये गाना आएगा तो इंशाल्लाह सारे लोग बहुत पसंद करेंगे। नहीं, फिल्में जो होती हैं वो समाज का आईना होती है, एंड समाज के आईने को समाज के सामने लाना ही चाहिए, और बबलू भाई का एक बेहतरीन प्रयास है, और ऊपर वाले ने चाहा तो ये फिल्म बहुत ही अच्छी टीम के साथ काम करने जा रही है और बहुत बेहतरीन फिल्म आएगी। और अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए कि कौन से प्रोजेक्ट पे काम? अभी मैंने आर्य बब्बर और गौहर खान के साथ एक फिल्म कंप्लीट किया है, तुझे सलाम इंडिया, एंड अभी गोवा से मैं शूट करके आया हूँ, X11 नाम है फिल्म के, डायरेक्टर हैं फैजल खान, और उनके साथ मैं अगली फिल्म करने जा रहा हूँ, एंड बबलू भाई की ये फिल्म अभी कर रहा हूँ। है तुझे सलाम इंडिया में एक मेजर का करेक्टर है, मेजर आदिल खान का करेक्टर है, बहुत ही शानदार फिल्म है, और वो एक पेट्रियाटिक फिल्म है, देशभक्ति फिल्म है, तो देशभक्ति से ओतप्रोत है वो पूरी फिल्म।